गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। टुडे 19 फरवरी 2019 ट्यूसडे है, अभी सुबह के 8 बज रहे। वीक का सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है। अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, कल भी हमने देखा प्रेशर बाजार में कंटिन्यू था, तो आज क्या हो सकता है निफ्टी में, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे, बाद में निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हर सुबह हम निफ्टी एनालिसिस का एक वीडियो पब्लिश करते हैं यूट्यूब में, जिसमें इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस किया जाता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया है, तो आपको मोबाइल के ऊपर उसके नोटिफिकेशन मार्केट आवर्स के पहले आ जाएगी और आप ये वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करेंगे। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 18 फरवरी आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा वीडियो कल का देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी आपको लिंक मिल जाएगी। कल के स्ट्रेटेजी के हिसाब से ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,746 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,694। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था उसी के पास निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और 1 मिनट के अंदर ही वहां से टूवर्ड साउथ की तरफ यह मुंह दिखाने लगा, सस्टेन नहीं हो पाया ब्रेकआउट लेवल के ऊपर। और जैसे ही हमारा ब्रेकडाउन लेवल इसने ब्रेक किया टूवर्ड साउथ की तरफ, हमारा फर्स्ट टारगेट 10,667 ये अचीव हुआ और उसके बाद सेकेंड टारगेट 10,634 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो कल के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऑलमोस्ट 55 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 41,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। कल अमेरिकी बाजार बंद थे, वहां पर वॉशिंगटन डे की छुट्टी मनाई जा रही थी। यूरोपियन मार्केट देखे तो मिला जुला कारोबार वहां पर देखने को मिला, लंदन मार्केट 17 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। वही जर्मन और फ्रांस मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया। आज जब एशिया मार्केट ओपन हो चुके हैं तो हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी वहां पर भी मिले जुले संकेत ही है, 2.5 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 16 पॉइंट के मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी कुछ अच्छे से सेंटीमेंट्स नहीं दिखा रहे। तो क्या हो सकता है आज निफ्टी इंडेक्स में, देखते हैं। वीकली एनालिसिस से शुरू करेंगे, फिर डेली चार्ट और फिर 60 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं। यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। कल यहाँ पर फिर से एक बार प्रेशर दिखाई दिया, हालांकि लास्ट वीक का लो ब्रेक नहीं किया है, 10,675 इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन जो लास्ट वीक का लो है वो अभी क्लोज नहीं हुआ है। लास्ट वीक हमने देखा था कि ओपन और हाई, ये जो ओपन और हाई है लास्ट वीक का, ये ऑलमोस्ट सेम है। और ये जब ये ऐसा पैटर्न आता है ओपन और हाई सेम होता है, तभी हमें एक टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई देता है। तो हमने लास्ट वीक भी देखा और इस वीक भी ये कंटिन्यू है। पास्ट में देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ओपन और हाई पे नजर रखिए, ओपन और हाई ऑलमोस्ट सेम, 11,751.80, हाई भी सेम है। तो यहाँ से हमने फॉल दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है, मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन और हाई जब सेम आते हैं तभी ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। और एक चीज है, हमने लास्ट मंडे के एनालिसिस में भी बनाया था कि यहाँ पर एक पैटर्न बनने का पॉसिबिलिटीज है, अगर वो बनता है तो हमें और भी डाउन ट्रेंड निफ्टी इंडेक्स में बनती हुई नजर आ सकती है। कैसे, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है हेड, और ये अभी बन रहा है राइट शोल्डर, बन रहा है अभी बना नहीं है। तो हो सकता है अगर ये सपोर्ट्स भी यहाँ पर ब्रेक होते हैं, जो कि अभी 10,400 का सपोर्ट है, उसके बाद 100 EMA का सपोर्ट है, ये सपोर्ट्स भी अगर ब्रेक होते हैं और ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर एक नेक लाइन बनेगा। ठीक है, और ये नेक लाइन अगर ब्रेक होती है तो हमें निफ्टी इंडेक्स में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। हेड एंड शोल्डर ये डाउन ट्रेंड का पैटर्न होता है, और ऐसा पैटर्न जब आता है तभी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अभी फिलहाल ये जो लेफ्ट शोल्डर है इसका ये जो हाई बना है, अगर इसे ब्रेक करता है और यहाँ पर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक होता है, और इस हाई को, लेफ्ट शोल्डर के हाई को अगर ब्रेक करता है,
तो ये पैटर्न बनने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये बढ़ता है और इस लेवल के पास आ जाता है, जो कि लास्ट स्विंग लो यहाँ पर बना है, इस लेवल के पास आ जाता है, तो यहाँ पर प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा और नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा तो और भी डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी थी, चार्ट हमें ये सजेस्ट कर रहा है, ऐसा ही होगा अभी ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये है फिलहाल अभी वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो कल इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था। इनसाइड बार ट्रेडिंग यानी क्या, जो फ्राइडे का हाई और लो का रेंज था उसके अंदर ही ये ट्रेड हो रहा था। हालांकि बियरिश कैंडलस्टिक बना है, लेकिन जो फ्राइडे का हाई और लो था इसके बीच में ही ये ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि और नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। हैमर कैंडलस्टिक बना था जो कि बाउंस बैक का एक पैटर्न है, लेकिन हमने देखा कि कल भी एक बियरिश कैंडलस्टिक बना। हालांकि लो इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है फ्राइडे का, तो हो सकता है कि फिर से एक बार यहाँ से अप मूव आए। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड मूव हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो पास्ट में भी हमने देखा था, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर और एक तीसरा यहाँ पर। जैसे कि अभी नेक्स्ट सपोर्ट इस लेवल के पास आ रहा है, 10,550 to 580 के लेवल के पास। हो सकता है इस एक्यूमुलेशन जोन के पास आकर ये बाउंस बैक हो, क्योंकि लगातार कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में गिरावट आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट कवरिंग का उम्मीद यहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन देखना होगा कि ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड के और भी मूव हमें दिखा सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बरकरार है। देखते हैं क्या हो सकता है। चलते हैं आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये है 60 मिनट का चार्ट। अभी यहाँ पर ध्यान से देखें तो निफ्टी इंडेक्स ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ से बाउंस बैक दिखाया था। आर्ली चार्ट में हैमर कैंडलस्टिक बनने के बाद ये छोटा सा बाउंस बैक आया था, तो अभी यहाँ पर ये लेवल क्रूशियल बन जाती है। अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, 10,620 के नीचे, तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,592। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और कल हमने देखा कि ये जो लेवल है अराउंड पिवट पॉइंट के पास, ये 10,682, यहाँ पर ये पेनेट्रेट हो रही थी ये लेवल, इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स जा नहीं पा रहा था। तो ये अगर लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट, ये जो 20 EMA का लाइन है, ये 20 EMA का लाइन, ये हमारा एक छोटा सा क्विकली टारगेट हो सकता है जो कि अराउंड 10,700 के पास है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,724। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो आज के लिए ये थी निफ्टी की इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये लेवल्स है आज के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी।